तो छात्र संघ चुनाव 2022 पूरे तरीके से एक्शन मोड में आ चुका है। जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल जेएनयू छात्र संघ चुनाव में केएन महिला कॉलेज के बाहर हंगामा शुरू हो चुका है। एबीवीपी, एरएसयूआई और एसएफआई के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। कॉलेज के बाहर अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में नारेबाजी की और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भी उन्हें वहां से खदेड़ा। जरा तस्वीरें देखिए, जोधपुर से तस्वीरें सामने आई है और नीचे किस तरीके से प्रत्याशियों से जुड़े हुए पैम्पलेट्स जो है वो पैरों पे बिखरे हुए हैं, न जाने कितनों की संख्या में। और ऐसे में अब लाठियां फटकार कर मौके से भीड़ को तितर बितर किया गया है। शिव प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। शिव प्रकाश, जानकारी दीजिए, क्या अभी माहौल को शांत किया गया? पुलिस प्रशासन की किस तरीके की व्यवस्थाएं इस पूरे झगड़े के बाद, मामले के बाद? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो पुरजोर तरीके से जो है अपने प्रचार कर रहे थे। आज रविवार था, लेकिन छात्राओं को प्रवेश पत्र देने के लिए केएन महिला महाविद्यालय है वो खुला था। इसी दौरान एनएसयूआई, एबीवीपी और एसएफआई के जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने समर्थकों के साथ कॉलेज के बाहर इकट्ठे हो गए और तीनों समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर तैनात था। पुलिस लगातार उनसे समझाइश कर रही थी और बार बार छात्रगुट आमने सामने हो रहे थे। लगातार समझाइश के बाद भी जब छात्रगुट अलग अलग नहीं हुए तो मौके पर पुलिस अधिकारियों ने जो है हल्का बल प्रयोग किया है और सभी को वहाँ मौके से खदेड़ा है। फिलहाल अगर बात की जाए तो सभी छात्र है वहाँ से रवाना हो चुके हैं और पुलिस एहतियात के तौर पर सभी कॉलेज जो कैंपस है वहाँ तैनात है। शहर के अलग अलग टुकड़ों पर तैनात की गई है। कुल मिला के शांति व्यवस्था है, लेकिन आने वाले दिनों में कल से जिस तरह से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, 26 तारीख को मतदान होगा, 27 तारीख को मतगणना होगी, तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती छात्र संघ चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से जो करवाना होगी, क्योंकि छात्र शक्ति है वो अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में निश्चित रूप से पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी होगी और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, आपने श्री प्रकाश सही कहा, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक इन प्रत्याशियों के लिए वो है जो अभी न्यू कमर्स आएंगे। और ऐसे में कल तो सोमवार है, जब रविवार को यह हाल है तो मंडे को क्या कुछ रहेगा, ये पुलिस के लिए चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया श्री प्रकाश अपडेट के लिए।